नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मरने वालों का सटीक आधिकारिक आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। मौके पर जिले के आला अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ की दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ हो रहे प्रवचन के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई, इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। प्राथमिक तौर पर पता चला कि सिक्योरिटी के लोगों ने श्रद्धालुओं को रोक दिया था, जिसके बाद उनमें से कई लोगों के दम घुटने की शिकायत होने लगी। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई है। जिलाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हाथरस के गांव फुलराई की यह घटना है। कार्यक्रम के आयोजक ने अनुमति तो ली थी, लेकिन जितनी संख्या आयोजकों ने प्रशासन को बताई थी उससे कहीं ज्यादा लोग यहां पहुंचे थे। वहीं एटा के सीएमओ डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी ने 27 डेड बॉडी की पुष्टि की है। मारे जाने वालों में एक पुरुष, 19 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हाथरस जनपद के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हो रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई है। इस दौरान अनेकों श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों की डेड बॉडी एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाई गई है। राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि ये भोले बाबा के सत्संग में हाथरस जनपद के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में हादसा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजकर राहत कार्य तेज करने और घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सोनू की रिपोर्ट। और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में आज तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंचे हैं, क्या हाथरस भी है, अलीगढ़ भी है और भी जनपदों में ये गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। इतने लोगों को मरने की आशंका है, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सब कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या होता है?